कुर्ते को रखेंगे और दूसरा कोई शर्ट देखते हैं। यहाँ पर नाइजीरिया से बहुत से लोग हैं, क्योंकि HPL चल रहा है, टेनिस बॉल से मैच हो रहा है एंड सम ब्यूटीफुल लेडीज। Obviously, यार, everyone is beautiful. कैंपस के अंदर फूटा है पटाखा, लोग इतना पागल, सीधा CCTV कैमरा के सामने फोड़ दिया। So, hey, what's up guys? This is Umang Sethi and welcome back to another vlog. तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकले थे जिम, कितने बजे भाई? 6:30 मतलब 5 बजे उठ गए थे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर मेस आए हैं। सबसे पहले तो भाई मीट उदय, ही इज माई न्यू जिम पार्टनर। कैसा रहा आज का वर्कआउट? आज का वर्कआउट थोड़ा सा टायरिंग था, बिकॉज in the previous 2 days we pushed ourselves really well, we didn't give a 100%, just moved our body and came back. aur bhai ek baat hamesha yaad rakho, theek hai, zindagi mein kuch bhi karna par Uday bhai ke sath training mat karna bhai, halat kharab ho jata hai. aaj bhai ethnic day hai, proper kurta pajama pehen kar jana hai, to thoda sa oh ha dekho hamara diet dekho bhai. breakfast mein hai banana, dalia and bhai chane aur ande to wahan par rakhe hue hain. baba se milo, baba kaise hai? theek hai bhai, badhiya badhiya hai. बाबा भाई सबसे ज्यादा क्यूट है हमारे हॉस्टल में। क्या बात है भाई, देखो जिम इज 30% जिम एंड 70% इज योर डाइट, तो वो आप प्रॉपर एग्जांपल देख लो। बनाना, अंडे, चने एंड दूध, ये इतना ज्यादा डिसिप्लिन है भाई, मेरे से अकेले तो नहीं हो पाता। बोल भाई कुछ तो, बोल कंटेंट तो दे यार। चैंपियंस बैक टू अवर रूम एंड ये वाला कुर्ता पहनने वाला, ये कुर्ता जो कि मेरा है नहीं, जो कि मेरे फ्रेंड का है, उनसे हम उधार में लेंगे। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग। ये दो बनाना ले लिए, पूरे दिन में जब मन करे खाते रहेंगे। और मिलिए हमारे अमृत भैया से, क्या बात है। सो चैंपियंस ऑल सेट फॉर द क्लास। और भाई अपना आउटफिट देख लो, कुछ जिस तरह का आउटफिट है आज ना, थोड़ा लो एफर्ट ड्रेसिंग किए, ज्यादा कुछ ताम झाम नहीं किए, क्योंकि कल दिवाली नाइट है, ठीक है, दिवाली नाइट नहीं, दिवाली सेलिब्रेशन है, जिसके लिए फिर से मेरे को यही वाला कुर्ता पहनना पड़ेगा, क्योंकि और ऑप्शन है नहीं, तो उसमें थोड़ा हाई एफर्ट ड्रेसिंग करेंगे, नीचे वाइट पजामा वजामा पहनेंगे, जिससे थोड़ा सा कुछ अलग दिखेगा। तो भाई ये अपना आउटफिट है आज का, ऊपर ये ब्लैक एंड वाइट कुर्ता एंड नीचे वाइट क्रॉक्स। या लेट्स गो। आपको शौक नहीं था? आपको पता है ना आप स्मार्ट है, नहीं कर रहा, मेरा घर जाकर चेक कर ले। मैंने शादी की जो एल्बम बनी थी ना शादी की, वो भी यहाँ डाल के मट्टी डाल के आ गया। क्या बात कर रहे हैं वैसे गाइस, मिलो ये हमारे आज की तारीख में मेरी डेथ हो जाए ना जी जी, तो मेरे घर में मारा कानून का फोटो नहीं मिला। अरे भाई, मेरा मोबाइल वोबाइल कटोला जाए, उसका पासवर्ड किसी को नहीं मालूम है। हाँ हाँ, कब अरे मोबाइल का आंसर मिल जाए। अरे अरे मिलो, ये हमारे वार्डन सर है, हाय बोल दीजिए। क्यों बोल दीजिए? अरे व्यूअर को हाय नहीं बोलिएगा? नहीं बोले, नहीं बोले, आप लोग इतने लकी नहीं है कि वार्डन सर से आपको हाय सुन पाए ना, फेस टू फेस आकर मिलो। क्या बात है भाई, सारे एथनिक पहने हुए, देखो वहाँ पर एक बंदा आपको दिख रहा है, वो भी एथनिक पहन के जा रहा है, यहाँ पर दो भाई अपने, ये भी एथनिक पहन के जा रहे हैं प्रॉपर। अभी भाई बहुत जन आपको देखेंगे एथनिक वाले भाई, ये अपना ब्लॉक और यहाँ पर अपना क्लासेस सभी ही चलते हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि शायद बहुत कम ही लोग एथनिक पहन के आए, पर एनीवेज पहनना था तो पहनना था। Few moments later. So champions अभी क्लास आ गए थे एंड अभी क्लास से वापस जा रहे रूम, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है इसमें और अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, एंड कल भी यही पहना तो ज़्यादा ही पहन नहीं सकते सारे, ऑलमोस्ट सारे देखो ट्रेडिशनल पहन कर आए मोस्टली सारे। तो भाई अपने इस कुर्ते को रखेंगे ये हैंगर में और दूसरा कोई शर्ट देखते हैं, ये शर्ट सही लग रहा है। मरी जाना जय माता दी, यस ब्रो लेट्स गो। ये बेटर है, अरे लाइट तो ऑफ किए, गाली देगा अलग। हाँ जी भाई, तो दिस आवर सेकंड आउटफिट आज के दिन का, और भाई पैंट वही है, तो अपना शूज भी वही है, बस अपना ये अपर चेंज कर लिए। खुल जा सेम खुल गया, ऐसा गर्मी भी नहीं लगती। और भाई जो एथनिक वाला है वो कल प्रॉपर पहन लेंगे, आज ज़्यादा लोग देख लेंगे तो उसका जो एक्स फैक्टर है वो एक्स फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है भाई, अपना हॉस्टल पास में हो ना तो फट से हॉस्टल जाओ, जो काम करना करो बट फट से आ जाओ। वो अपना जो बिल्डिंग दिख रहा ना, वो अकेडमिक बिल्डिंग है, वहीं पर क्लासेस लगती हैं। यहाँ पर नाइजीरिया से बहुत से लोग हैं, सो दे आर फ्रॉम देयर। यहाँ पर देखो HPL चल रहा है, हॉस्टल प्रीमियर लीग, टेनिस बॉल से मैच हो रहा है मैटिंग में, अपना क्लास वहाँ पर है एंड सम ब्यूटीफुल लेडीज़ जो कि एथनिक पहन करें। ऑब्वियसली यार, एवरीवन इज ब्यूटीफुल।
भाई देखना पक्का कोई क्लास में बोले, कोई ना कोई तो क्लास में बोलेगी, ओ कपड़ा बदल के आ गया, ये है वो है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही पक्का। मेरे को पता था कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, देखो बोला ही है। मैं कपड़े कैसे चेंज करके आ गया, थोड़ा वो क्वालिटी सही नहीं था ना। गाइस वी आर इन द कॉलेज कैंपस और अभी यहाँ पर भाई कैंपस के अंदर फूटा है पटाखा। कौन सा पटाखा था ये? तो मिर्ची आया है, मिर्ची नागिन मिर्ची पटाखा, नागिन पटाखा चिटपिट चिटपिट करता है ना, वो वाला फूटा है। सो जो गार्ड साहब है वो आकर चेक किए और भाई इन लोग इतना पागल सीधा सीसीटीवी कैमरा के सामने फोड़ दिया, तो अभी शायद वो लोग पकड़ाने वाले हैं। देखो वहाँ पर धुआं धुआं हो गया पूरा, देखो प्रॉपर धुआं धुआं हो गया। लेट्स गो भाई, कुछ तो होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे ये सिक्योरिटी सर आ गए, सबसे स्ट्रिक्ट यहीं पर हुआ जो हुआ। A few moments later. So guys, यहाँ हमारा हुआ है क्लास खत्म और आपको मिलाते हैं अपने सीनियर से। देखो ये बैचलर्स हमारे साथ ही, श्रुति हाय बोलो, श्रुति हाय बोलो, हाय। सो गाइस ये थे सीनियर्स, एक्चुअली हम दो साल का ब्रेक लिया है ना, तो ये क्लास में ये बैचमेट थी पर ये मेरी सीनियर हो गई है। क्या बोलियो? तो भाई फाइनली आई एम बैक फ्रॉम क्लास और इसी के साथ भाई अपनी स्कूटी भी आ गई, अपना स्कूटी का पार्सल आ गया, स्कूटी निकलेगा अनबॉक्सिंग करेंगे एंड यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस वैक्टिस कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये रहा अपना स्कूटी, इसी में आया, बहुत देर लग गया ना, आ जाते। तो भाई ये रहा अपना स्कूटी, प्रॉपर पैक होके आया यहाँ पर, फाइनली अपनी स्कूटी आ गई है यहाँ पर। थोड़ा पेपर वर्क है भाई, इस चक्कर में हम लंच भी नहीं किए थे, अभी फटाक से जाके लंच करेंगे क्योंकि भाई सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 2 बजे अपना लंच खत्म हो जाता है। ये अपना हॉस्टल, ये दूसरा वाला हॉस्टल और जो मेस है वो इस हॉस्टल के नीचे ही है, मतलब कॉमन मेस है, 3 हॉस्टल के एक ही मेस है। नाइजेरियंस भी पढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो भाई ये रहा अपना मेस, एग्जैक्ट सही टाइम पर पहुंच गया क्योंकि अपने को खाना मिल गया है। आज कड़ी चावल है, आलू की सब्जी है, सैलेड एंड राइस। तो भाई कट टू इवनिंग, यहाँ पर भाई लॉन्ड्री का कपड़ा देने जा रहे हैं, बहुत दिनों से कपड़ा रखा हुआ था। बाकी भाई ग्राउंड देखिए वाला कितना सही लग रहा है, प्रॉपर चारों लाइट जल रही, यहीं पर अपना मैचेस वगैरह चल रहा था, फील तो है भाई कैंपस में। भाई फिलहाल बाल भी कटवाना है मेरे को क्योंकि कल दिवाली सेलिब्रेशन है। लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हाँ जी भाई, सो डन विद द हेयर कटिंग यहाँ पर, यहाँ साइड से फेडेड और ये हमारे बाबर भैया। तो बेसिकली भाई हम जब भी करवाते हैं इनसे ही कराते हैं, इनका चेहरा देख लो, आपको भी करवाना तो इनसे ही करवाना, ठीक है? बहुत ही स्किलफुल है। मेरा नाम बता दो, अली 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 ब्रो से करवाना, ठीक है? लेट्स गो। तो भाई ये है अपना लॉन्ड्री एंड ये था अपना सैलों, दोनों आसपास ही है और यहीं पर हम अपना कपड़ा भी धोने दे दिए और बाल भी कटवा दिए। और ये कैफे है यहाँ पर मंडेला हॉस्टल के नीचे, कमेंट में बताना कि भाई बाल कैसा लग रहा है, ठीक है? सो चैंपियंस, अभी शाम को मैं निकले हैं यहाँ पर वॉक करने एंड कट टू सीधा शाम, मतलब हेयर कट करा के सीधा यहाँ पर निकले। और भाई शाम का माहौल देख लो यहाँ पर, देखो वो जिस तरह से रहता है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं सारा वॉक करते हैं, मस्त माहौल बना रहता है। ये मेरे सारे क्लासमेट्स हैं यहाँ पर एंड इसको तो आप जानते हैं, क्यूटेस्ट बॉय ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी रजनी। रजनी जी कुछ बोलिए, व्यूअर्स कुछ आपकी बातें सुनना चाहते हैं। अरे वो छोड़ो, देखो दाढ़ी मस्त बियर्ड ट्रिम विम करवाया है, न्यू लुक रॉकी लुक। सो चैंपियंस आई एम बैक टू माई रूम, सुपर हेक्टिक डे कम्स टू एन एंड और इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बेली ब्लॉग।